दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में पुलिस और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के बीच हुए हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और पुलिस वालों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। पुलिस वालों के साथ नेता मनोज तिवारी की हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर बने सिग्नेचर ब्रिज को लेकर सियासत जारी है। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन से पहले यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। यहाँ मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन भाजपा नेता को मंच पर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद मौके पर भारी हंगामा शुरू हो गया था। इस दौरान मनोज तिवारी को गुस्सा आ गया और वो पुलिस से भिड़ पड़े। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हाथापाई के दौरान उन्होंने एक पुलिस वाले को मुक्का भी मार दिया। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी के बिना आमंत्रण पहुंचने पर विवाद हो गया था। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में बन रहे इस ब्रिज का काम मैंने दोबारा शुरू कराया जो सालों से अटका पड़ा था। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहां से सांसद हूं। मैं यहां केजरीवाल का स्वागत करने के लिए आया था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की। तिवारी ने कहा कि उन्हें उद्घाटन का न्योता मिला था, लेकिन जब वे मंच पर जा रहे थे तब उस दौरान विधायक अमानतुल्ला खान ने उन्हें धक्का मारा। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर बने सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी के पहुँचने पर विवाद हो गया था। उस दौरान उनके और आप कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। आरोप है कि मनोज तिवारी ने यहां पुलिसकर्मी से मारपीट करने की भी कोशिश की।